पूर्वी दिल्ली के मधुविहार इलाके में हफ्ते में 10 दुकानों में चोर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। इलाके के व्यापारी ने दुकान बंद कर रोड जाम किया। दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगे। एक हफ्ते के अंदर चोरों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। उधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि इलाके में बढ़ते चोरी को रोकने के लिए पूरी रात गश्त की जाएगी और पुलिस पिकेट लगाकर चेकिंग किया जाएगा। उधर व्यापारियों का कहना है कि जब तक चोरों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक दुकान नहीं खोली जाएगी। साफ है दिल्ली पुलिस के ऊपर व्यापारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। अब देखना है कि एक के बाद एक चोरी को दिल्ली पुलिस कैसे रुकवाने में कामयाब होती है। गुप्ता जी क्या है? दुकान का नाम हमारी विजय कलेक्शन है। हाँ, क्या हुआ बताइए सर। सुबह जब दुकान खोलने तो पता लगा, जो है देखा दुकान जैसे शटर खाया, सारी जो है दुकान खाली, सारी पूरी जितनी महंगी साड़ियाँ आती जितने लहंगे थे चुनियल साहब सब अंदर से भी महंगी साड़ियाँ ले गए, रेडीमेड का सामान ले गए, सस्ती साड़ियाँ सब छोड़ गए। और हमें सबसे बड़ा, हमारे सभी पूरी मार्केट इकट्ठा हो गई, सब मार्केट वाले साथ थे, सबको फ़ोन किया मैंने, 100 नंबर पर सबसे पहले फ़ोन किया, 10 बजे मैंने 10 बजे 100 नंबर पर फ़ोन किया, 11 बजे आए हमारे पास। ये बताइए मुझे जी, इस इलाके में कितना चोरी हुई? एक दो जगह चोरी हुई है। उनका स्टाफ जो है पूरा डायरेक्शन दिए वैसे तो साहब को भी, ये रात में पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे मोटरसाइकिल और यहाँ बैरिकेटिंग लगवाएंगे और आगे कोई वारदात ना हो अपने स्टाफ को फॉलो करेंगे। सर मार्केट एसोसिएशन वाले ने पूरा जाम हम कर दिया, बताया जा रहा है कि यहाँ पे डेली चोरी हो रही है, लाखों की चोरी। बात नहीं, ये अपनी शिकायत लिखवाई है, हम उसका पूरा निदान करेंगे। रुकवाने में कामयाब होती है। दिल्ली से राकेश सोनी।